संसद में एक बार फिर से बवाल छिड़ गया है। संसद में चेहरा दिखाने को लेकर बवाल छिड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद में राहुल गांधी को कितनी बार दिखाया गया, नरेंद्र मोदी को कितनी बार दिखाया गया, संसद में जब विपक्षी सांसद बोलते हैं उनको कितनी बार दिखाया जाता है टीवी स्क्रीन पर, इस बात को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इमरजेंसी जब लगी थी उस इमरजेंसी पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को लगता है कि वो गलत फैसला था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के इस गलत फैसले को लेकर सभी लोगों ने उसके लिए माफी मांगी, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के इमरजेंसी गलत था, यह बात खुलकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लेकिन अब जो इमरजेंसी अघोषित लगी हुई है वो कैसे जायज है, ये कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि जायज यह कैसे हो गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि संसद के अंदर 18वीं लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने एक अच्छी शुरुआत की विपक्ष की भूमिका में, कि जो सदन है वो सत्ता और विपक्ष की बातों को सुनकर चले, इसके लिए राहुल गांधी ने पहल की, सबसे पहले हाथ बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ, स्पीकर का चुनाव होते ही स्पीकर ने सबसे पहले इमरजेंसी की बातें लाकर सदन के अंदर मौन खड़ा करा दिया सबको। और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी की चर्चा लिखी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा, इस पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। और कांग्रेस में 73 बार नरेंद्र मोदी का चेहरा और मात्र 6 बार राहुल गांधी के चेहरा दिखाने पर भी टीवी स्क्रीन पर बवाल मचा हुआ है। आपको हम दोनों दिखाएंगे कि राष्ट्रपति की स्पीच जो है वो 51 मिनट की स्पीच है, और इस 51 मिनट के स्पीच में नरेंद्र मोदी का चेहरा 73 बार दिखाया गया है, जबकि राहुल गांधी का मात्र 6 बार। अब कांग्रेस ने पूरा लंबा चौड़ा जो है सोशल मीडिया पर जो बातें है वो लिखी है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी बातें रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना ही बेईमानी है, नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवकूफी है। संसद सत्र शुरू हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर महोदय को लेकर ऊपर पहुंचे। एक नई शुरुआत की पहल खुद राहुल गांधी ने पहले हाथ बढ़ाकर की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उनका पहला वक्तव्य बेहद ही उम्दा था। धीर गंभीर बात, हिंदुस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए विपक्ष की आवाज को जगह दिए जाने की पुरजोर पैरवी की। यहां से अगर बीजेपी चाहती तो एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना ही गलत है। स्पीकर ने 49 साल पहले लगी इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा, फिर 27 जून को राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में भी 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। पुराने घाव कुरेदने से क्या हासिल होगा, इमरजेंसी का निर्णय गलत था इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा जी ने खुद उस गलती को माना था और लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव कराए थे। यही नहीं, इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने के बावजूद स्वयं राहुल गांधी ने एक गलती बताया था और ऐसा कभी दोबारा न हो, इसलिए वो संविधान को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब छेड़ ही दिया है तो कुछ सवाल भी पूछ लिया जाए। पहला सवाल, एक ही सत्र में करीब 146 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? दूसरा, विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? तीसरा, राहुल गांधी के 14 मिनट के भाषण में 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 51 मिनट के राष्ट्रपति के भाषण में, यानी जो अभिभाषण उनका चल रहा था उसमें मात्र 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर और 73 बार नरेंद्र मोदी को टीवी स्क्रीन पर दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? स्पीकर का जय संविधान बोलने पर आपत्ति करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? जबरन काले कृषि कानून CAA, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पास कराना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? सिर्फ वाइस वोट से कानून को पारित कराना, लोकसभा में 35% विधेयक 1 घंटे से कम समय में पारित कराना और मात्र 16% बिल को पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के भेजना,
क्या यह इमरजेंसी नहीं है? सांसद के प्रांगण से छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहब प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से चर्चा किए बियाबान में डाल देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विधायकों की नीलामी करके चुनी हुई सरकारें गिराना क्या इमरजेंसी नहीं है? विपक्ष को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से प्रताड़ित करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? चुनाव के दौरान मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक के खाते बंद करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी नेताओं की, न्यायाधीशों की, अफसरों की, अपने खुद के मंत्रियों की पेगसस से जासूसी करवाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? एक साल से जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित लद्दाख की अनदेखी करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? किसानों की सवा साल तक दिल्ली के सरहद पर छोड़ देना जिसमें 750 किसानों की शहादत हो गई क्या यह इमरजेंसी नहीं है? किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? रोजगार की मांग करते हुए युवाओं को पुलिस से बरबर लाठीचार्ज कराना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? छात्रों के प्रदर्शन पर जेल में डाल देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? पेपर लीक होना, परीक्षाएं स्थगित होना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना और क्या यह इमरजेंसी नहीं है? पत्रकारों को असहज सच दिखाने के लिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मीडिया को अपने बस में करने के बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शिकंजा कसने की कोशिश करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने के बाद अगर किसी और का पोस्ट ठीक ना लगे तो उसे सीधे जेल में डाल देना यह इमरजेंसी नहीं है? मनमाने फरमानों से लॉकडाउन लगाना, नोटबंदी करना यह इमरजेंसी नहीं है? औरत के खिलाफ जघन्य से जघन्य अपराध हो और सरकार हर बार आरोपी को संरक्षण दे क्या यह इमरजेंसी नहीं है? ये सीधे तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये इमरजेंसी नहीं तो फिर और क्या है? वो भी वो चीज जब खुद कांग्रेस ने अपनी गलती मानी, इंदिरा गांधी ने अपनी गलती मानी कि इमरजेंसी लगाना गलत था, उसकी चर्चा संसद में करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? इधर राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो वीडियो 51 मिनट के वीडियो में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को 73 बार और राहुल गांधी को 6 बार दिखाया जाना भी सवालों के घेरे में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।